हेलो कैसे सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, जो कि यूरोपियन लीग का जो फर्स्ट मैच खेलने जाना है, मालांग वर्सेस बार के बीच जो मैच खेलने जाना है, इस मैच के बारे में आपको गाइस मैं बताऊंगा। क्या इनका स्टार्टिंग लाइनअप क्या रहता है, कौन से प्लेयर आपके लिए कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं, और क्या आपके लिए पुंट पिक रह सकती है जेल में, और क्या इनका स्टार्टिंग लाइनअप रह सकता है गाइज। तो गाइज उससे पहले लेकिन मैं आपको अभी तक तो मैं आपको पूरी की पूरी आपको इस मैच के बारे में ये क्रिकेट की विनिंग दिखाते हो, उससे मुझ तो आपको लगे कि हम ये देख सकती है गाइज। कंटिन्यूसली क्रिकेट में विनिंग कर रहे हैं गाइज, कंटिन्यूसली गाइज, क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप। आपको मैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ गाइज, कंटिन्यूसली कंटिन्यूस क्लीन स्वीप हो रहा है क्रिकेट में। तो गाइज आपको टेलीग्राम चैनल ये रहा हमारा ड्रीम इलेवन टीम के नाम से गाइज, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना गाइज। और हाँ गाइज, कल हमने मिनी जीएल भी विन कर लिया गाइज, हालांकि मैं टीम पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इस मैच में मैंने न्यूज़ पढ़ा कि मैच थोड़ा सा रिस्की हो सकता और मैच भी होने के कंफर्म नहीं था, मतलब इतना तो मैंने नहीं सोचा चलो क्योंकि क्यों 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 रिस्क ले, क्योंकि तो मैंने जीएल खेला था एमपीएल पे गाइस, क्योंकि आप तो जानते हो ड्रीमर में बहुत हाई कंपटीशन मिलता है। तो गाइस मैंने एमपीएल में देख सकते फर्स्ट रैंक आई और मैंने इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ किया था, और मेरा रिटर्न कितना आया 553 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो क्योंकि आज रैंक 1 आई है जीएल में, मिनी जीएल थी, 1 रैंक आई है गाइस, आप देख लेना। ये रही थी मेरी टीम गाइस, या मेरे रैंक भी 1 आए थे गाइस, देख सकते हो आप। तो गाइस देख सकते हैं क्रिकेट तो हमारा लगातार क्लीन स्वीप हो रहा है गाइस। और गाइस हम इस मैच का भी लाइनअप आपको मैं दे दूंगा जैसे मैंने कल भी दिया था, तो इसको लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक से नहीं ज्वाइन होते तो सीधा आपको सर्च करना है आईपीएल ड्रीम इलेवन टीम, तो आप सभी स्मॉल में सर्च करना, ये देख सकते हैं आईपीएल ड्रीम इलेवन टीम, सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप थोड़ी सी आपको मैं मैच के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ गाइज। तो गाइज उज्जवल मल्लंग का जो टीम है गाइज, इस टीम के बारे में तो इन्होंने अपना पहला गेम जो लास्ट मैच था वो विन करके आई है गाइज, और गाइज जो दूसरी मोनोरा बॉल जो बार जो टीम है ये अपना मैच हार चुकी है गाइज। और गाइज इस मैच में भी अगर आप बैटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये भी मैच गाइज आपके लिए उज्ज्वला मल्लंगा ही जीतने वाली है गाइज, क्योंकि बहुत अच्छा है, इनके पास स्टार्टर प्लेयर है और बहुत तगड़ी टीम भी है गाइज। मेरे हिसाब से ये टीम इस मैच में भी जीतनी चाहिए। तो स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो स्टार्टिंग मैनअप में गैल मैकेलमेंस है, एलेक्स बोल्टिंग जो कि गाइज बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, इसको आपको लेना है एस एल में गाइज। फिर गाइज फ्रांस ऑलम जो कि गाइज ये जो प्लेयर है ये प्लेयर आपको लिए स्मॉल फॉर्म में जो 3 पॉइंट जो स्कोर करते हैं गाइज प्लेयर, उसके लिए जाना जाता है, मतलब ये मतलब ऐसे नहीं अटैकिंग प्लेयर की तरह नहीं जाता, डिफेंसिव प्लेयर है लेकिन 3 पॉइंट स्कोर कर लेता है, मतलब जो भी एक गाइज आपको देखा होगा सीमी सर्कल जैसे लाइन होती है हाफ हाफ कोर्ट में, तो उसके बाहर से ये स्कोर करता है तो उसके 3 पॉइंट मिलते हैं गाइज। फिर गाइज आपके लिए गाइज मिल सकते टीम अबरोटी से भी आपके लिए अच्छी पिक रहने वाली है गाइज इस मैच में। और गाइज फिर मिलते हैं जिरमो, ये भी बहुत अच्छे सेंटर में जा सकते हैं गाइज। बेंच प्लेयर में गाइज आपके ड्यून थॉम्सन मिल सकते हैं, कार्लस सुजरे मिल सकते हैं और डेरिन ब्रेडजा मिल सकते हैं। और गाइज ये दो बड़े प्लेयर आउट हो चुके, बड़े मतलब इतने भी नहीं लेकिन ये दो बड़े प्लेयर आउट चुके, इनको अपनी टीम में मत लेना। जैमिन फर्नांडिस और ड्रैगन मिलसोविजिक्स ये प्लेयर है इस मैच में नहीं खेलेंगे इंजरी की तरफ से। अब गाइज इसमें जो टॉप पिक जैसे मैंने पहले बोला था गैल मैकल और टीम आर्म्स और टीम अब्रोमेटिस, ये दोनों के लिए टॉप पिक रह सकते हैं। 25 to 24 पॉइंट स्कोर कर ले, मतलब ड्रीम इलेवन में देखा जाए तो गाइस ऑलमोस्ट गाइस आपके लिए 5 आपके लिए इस प्लेयर को गाइस नाम मत भूलना, फ्रांसिक अलोंसो, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तगड़ा प्लेयर है, खेल सकता है तो आपको जेल भी जिता सकता है, ये याद रखना। फिर गाइस आपके लिए बार की तरफ से मैं स्टार्टिंग लाइनअप में जोका पुलन और इसे इन दोनों को हर एक टीम में गाइस आप लेना है जेल में, क्यों क्योंकि गाइस इनके पास एनबीए एक्सपीरियंस है गाइस,
ये दोनों प्लेयर ही NBA खेल चुके हैं, इनके पास NBA एक्सपीरियंस है और कंसिस्टेंसी कोर करते गाइज, तो इनको आपको मिस नहीं करना गाइज। फिर आपके लिए टॉरन स्मिथ मिलने वाले इस मैच में, ले टेलर स्मिथ। फिर आपके लिए सीट सोरा मिल सकते गाइज। गाइज इन दोनों प्लेयर को आपको हाईलाइट कर लेना गाइज, ये दो बहुत बड़े प्लेयर है, इनको मिस मत करना। अभी बोल रहा हूँ जे जैक बॉपुलेन और इशासी व्हाइट हेड। आप गाइज इनके तरफ से बेंच में गाइज आपके लिए दो प्लेयर अच्छे, मतलब गाइज बेंच प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं अच्छे ऑप्शन में आपको लिए दे रहा हूँ गाइज। डेरिका नहीं बंदा और मिल्का हो बेजलसी गाइज, सारे प्लेयर खेलेंगे, कोई इंजरी अपडेट नहीं है गाइज। टॉप पिक मैंने जैसे पहले बोला कि इनके पास गाइज NBA एक्सपीरियंस, NBA मतलब आप जानते हो अगर बास्केटबॉल खेलते हो तो NBA एक्सपीरियंस मतलब NBA बहुत बड़े लीग है ऑस्ट्रेलिया की, वो खेल चुके हैं दोनों प्लेयर। अब गाइज आपके लिए मैं पुंट पिक और कैप्टन वाइस स्पेक्ट्रम, तो गाइज पुंट पिक मतलब अगर आपको क्रेडिट भी सेव करना और आपको GL खेल रहे तो पुंट पिक बहुत, अगर वो आपके पुंट पिक चल रहे हो तो आप GL, आपको पता है गाइज बास्केटबॉल में 8 प्लेयर होते हैं, 8 आउट ऑफ 6 प्लेयर तो सभी के पास होते हैं, सिर्फ दो प्लेयर आपको अलग लेने पड़ते हैं और दोनों प्लेयर उस दो प्लेयर पर ही पूरा का पूरा मैच डिपेंड होता है GL में तो गाइज खासकर। तो आपके लिए इसमें अच्छा पॉइंट पिक ये रह सकते हैं गाइज, सीन क्रीड और नो क्रीड में देख लेना इनके नाम। अब गाइज कैप्टन वास्किन के लिए पहले मैंने बोला था केनी ग्राबियल या अलेक्सा बोलना, बहुत प्लेयर अच्छे प्लेयर है इस वाइट शर्ट जो कि NBA का एक्सपीरियंस है इनके पास, तो मैं आपको हमारा ड्रीम इलेवन टीम दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, क्या लगातार क्लीनशिप हो रहा है मैच, क्योंकि क्रिकेट और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में थोड़ा मान लीजिए थोड़ा कम नॉलेज है लेकिन खेल लेता हूँ, लेकिन क्रिकेट का बात ही कुछ और है। क्रिकेट हमारा दिल से निकलता है, मतलब क्या बोलूँ कैसे टीम जा रही है, मतलब कोई तोड़ नहीं टीम को, हर एक मैच जो भी खेल रहा हूँ क्लीनशिप हो रहा है, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ क्लीनशिप हो रहा है। ये आप रिजल्ट चेक कर लेना, अगर आपको भी क्लीन स्वीप करना है तो जल्दी से जल्दी आएगा 10 out of 7 to 8 मैच इजीली क्लीन स्वीप हो जाते हैं हमारे। तो आप थोड़ी सी हमको ड्रीम इलेवन टीम की तरफ चलते हैं गाइज, मैं जल्दी दिखाता हूँ गाइज, वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने कहा सेंडा पावर गार्ड में मैंने जेपुलेन जो कि मस्ट पिक है इस मैच में, जे मिकल मस्ट पिक है गाइज, ए बुल्टन आइसोला जो कि मस्ट पिक है, डी बाजार पे मस्ट पिक है जो कि गाइज मैंने बोला था 3 point स्कोर करते बहुत अच्छा प्लेयर, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लिया है कि अगर आप प्लेयर मस्ट पिक रहने वाले इस मैच में गाइज, और भी बोल रहा हूँ गाइज ये मेरे सेफ्टी में, इसके साथ आप जा सकते हो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो गाइज। गाइज इसका आपको लाइनअप भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लेना गाइज। इसमें कोई रहेगी बहुत अच्छी टीम है गाइस, आपको पता होगा इसको सिर्फ 8% लोगों ने एसपी बनाया, लेकिन जैसे ही मैच का टाइम डेडलाइन कम हो जाएगी इसका परसेंटेज बढ़ेगा, आप देख लेना गाइस बहुत अच्छा प्लेयर है गाइस, इसका रिकॉर्ड मैंने देखे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो आपको सब कुछ फाइनल टीम और क्रिकेट की टीम भी मिल जाएगी। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो।